इन थर्ड लेक्चर हम लोग जनरली क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चंस हमारे इंट्रोडक्शन पर बेस्ड और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स, ये साइड्स दे रखी हैं। तो हमने माना कि जैसे ये ए बी सी ट्रायंगल है तो इसकी एक ए बी साइड दे रखी है, ये बी सी साइड वेक्टर दे रखा है, ये और सी ए साइड वेक्टर दे रखा है ये। अब भाई पेरीमीटर निकालना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी सारी साइड्स का सम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले तो ए बी साइड की लेंथ निकालते हैं। तो अब ए बी वेक्टर तो गिवन है तो इसकी लेंथ निकालनी मीन्स इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड का जनरली मतलब होता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे आई का कोफिशियंट 3 है इसका स्क्वायर किया 3 स्क्वायर, जे का कोफिशियंट 4 है तो 4 का स्क्वायर किया, के का कोफिशियंट 5 है तो 5 का स्क्वायर किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये आ जाएगा √50। सिमिलरली हम लोग BC की लेंथ निकालते हैं, मीन्स BC वेक्टर आपको दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए तो BC की लेंथ आ जाएगी। तो BC की लेंथ कैसे निकालेंगे, अगेन मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका x के कोफिशियंट का स्क्वायर, i के कोफिशियंट का स्क्वायर, j के कोफिशियंट का स्क्वायर, देन k के कोफिशियंट का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ये √50 आ जाएगा। सी ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सी ए वैक्टर की लेंथ निकालते हैं, दैट इज आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो ये भी आपका √50 आ जाएगा। यहां पर हम लोग देखें तो ए बी वैक्टर की लेंथ मीन्स ए बी साइड की लेंथ, सी ए की लेंथ, ए बी वैक्टर की लेंथ और बी सी वैक्टर की लेंथ, तीनों लेंथ इक्वल हैं। इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगल होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो जनरली इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो आपका पेरीमीटर आएगा दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स √50, √50 एंड √50। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सम 3√50 यूनिट। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जनरली इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड लेंथ ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग ए टू बी, मींस जैसे एक ये पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट ये आपको बी दे रखा है। कह रहे एक वेक्टर निकालना है ए टू बी, मींस ए से बी की तरफ डायरेक्शन, ए टू बी कुछ इस तरीके से। इफ पोजिशन वैक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। तो ए का पोजीशन वेक्टर जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर। तो ये आ जाएगा 3i कैप + 2j कैप + k कैप, ये आपको दे रखा है ए का पोजीशन वेक्टर। और बी का पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर है i कैप + j कैप + k कैप। अब बहुत ध्यान से देखो, ए का पोजीशन वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर दोनों दे रखे हैं और हमसे कहा गया ए इस ए बी वेक्टर की लेंथ बताओ, एक वेक्टर जिसकी लेंथ बतानी फ्रॉम ए टू बी। तो यार इस ए बी वेक्टर की लेंथ कैसे निकाल पाएंगे, पहले तो इसका वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यार हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर मतलब जैसे बाद में आपका बी है तो बी का पोजीशन वेक्टर पहले आ जाएगा, और पहले ए है तो ए का पोजीशन वेक्टर बाद में आ जाएगा। हमने ये आपको डायरेक्शनल वेक्टर बताया था या फिर ऐसा बताया था दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर है i कैप + j कैप + k कैप और इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए के पोजीशन वेक्टर को 3i कैप + 2j कैप + k कैप। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई से 3i जाएगा तो माइनस का 2i कैप बचेगा, जे से 2j जाएगा माइनस का जे कैप बचेगा, के कैप से के कैप कैंसिल हो जाएगा। तो अभी देखिए ए बी वेक्टर आ गया। अब यार इस वेक्टर की हमें लेंथ चाहिए, मींस इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं।
तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा रूट फाइव, ये मैग्नीट्यूड आ गया। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। अब इन वेक्टर्स का सम निकालना है, तो मान लेते हैं इन वेक्टर्स का जो सम है वो आर वेक्टर आएगा, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब जनरली इनको ऐड करना है, तो जैसे ए वेक्टर आपको दे रखा है आई माइनस टू जे प्लस के दे रखा है, आपको बी वेक्टर भी दे रखा है माइनस का टू आई प्लस का फोर जे प्लस का फाइव के, एंड सी वेक्टर भी दे रखा है आई माइनस सिक्स जे माइनस सेवन के। अब इन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका होता आई के कोफिशियंट को आई के कोफिशियंट से ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पर वन है, ऐड हो जाएगा तो जीरो आई कैप आ जाएगा। यहाँ पर जे का कोफिशियंट माइनस टू है, यहाँ पर फोर है और यहाँ पर माइनस सिक्स है, तो टोटल जे के कोफिशियंट को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का फोर जे कैप। अभी के कोफिशियंट को ऐड करते हैं, के कैप है फाइव के कैप है और माइनस का सेवन के कैप है, तो ये बचेगा माइनस का के कैप। तो जनरली हमें यदि एडिशन करना होता है वेक्टर्स का, तो हम लोग आई के कोफिशियंट्स को, जे के कोफिशियंट्स को और के कोफिशियंट को ऐड कर लेते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर दे रखा है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वी नोट दैट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो आपको ए वेक्टर तो दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। अभी जनरली यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, के कोफिशियंट का स्क्वायर, ये आपका रूट सिक्स आ जाएगा। अभी यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए कैप की वैल्यू निकालनी थी, तो ए कैप जनरली ए वेक्टर को मीन्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको डिवाइड कर देना ए के मैग्नीट्यूड से, ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड कोलिनियर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। अब इसकी डायरेक्शन में आपको कोलिनियर वेक्टर निकालना है, मान लेते हैं ये आपको ए वेक्टर दे रखा है, आपको ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। अब इसकी डायरेक्शन में कोलिनियर वेक्टर निकालना है, तो जनरली यूनिट वेक्टर उसी की डायरेक्शन में मिल जाता है, या जैसे कोई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है तो उसकी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो जनरली ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, के कोफिशियंट का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आपका रूट सिक्स आ जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसकी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा, मीन्स ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ए वेक्टर है i प्लस जे प्लस टू के और मैग्नीट्यूड कितना है रूट सिक्स, इसे डिवाइड कर दिया। अब तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में तो हो गया, इसके साथ कोलिनियर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि यूनिट वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो उसका कुछ मैग्नीट्यूड हो। जनरली यहाँ पर जो हमने लिखा वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है, तो कितने भी मैग्नीट्यूड का इसके डायरेक्शन में आप वेक्टर निकाल सकते हो। यहाँ पर इन्होंने ये बोला नहीं कि कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, इसलिए हमने केवल यूनिट वेक्टर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10
10। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एक वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 10 है इन डायरेक्शन ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब इसकी डायरेक्शन में निकालना यार, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं किसी की डायरेक्शन में निकालना, पहले तो यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मान लेते ये आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर आपका है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, आपको ये ए वेक्टर दे रखा है। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये टोटल इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आपका रूट 50 आ जाएगा। अब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। वी नो दैट यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है, तो ये वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। अब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मीन्स रूट 50 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए ये जो आपका वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, बट इन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड 10 करना है और इसकी डायरेक्शन में, तो आपको क्या कर देना है, सीधे सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए ये एक बी वेक्टर है जो ए की डायरेक्शन में और जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो दो ए कैप मतलब ए की डायरेक्शन में इनटू 10, तो 10 और इसका मैग्नीट्यूड ए कैप का 1 होगा, तो ये 10 यूनिट हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो 10 टाइम्स ए कैप होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन रूट 50। ये वेक्टर है ए की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे इफ ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड लेमडा ए इक्वल टू म्यू सी, देन फाइंड लेमडा एंड म्यू। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर दे रखा है कि लेमडा ए इक्वल टू म्यू सी। ए और सी आपके नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो यहां से जनरली हम लोग ए की वैल्यू निकाले तो आएगा म्यू बाई लेमडा सी। हम लोग कहते हैं कि इस तरीके की जो कंडीशन होती है, जैसे ये यहाँ पर कोई स्केलर क्वांटिटी है, यदि ये नॉन जीरो हो जाए तो ए और सी आपके कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे, और यदि ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो जाए, ये क्वांटिटी या जीरो हो गई जो यहाँ पर स्केलर है, तो ए और सी आपके नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ से जनरली हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, म्यू इक्वल टू जीरो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन और कर सकते थे, जरूरी नहीं कि हम ए इक्वल टू स्केलर टाइम्स सी वेक्टर लिखें, हम ऐसा भी लिख सकते थे सी वेक्टर इक्वल टू लेमडा बाई म्यू ए, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी देखो ए और सी यदि कोलिनियर है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है नॉन कोलिनियर का, इट मीन्स ये जीरो होना चाहिए, तो लेमडा बाई म्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा लेमडा इक्वल टू जीरो। तो हम लोग बोलेंगे यदि लेमडा और म्यू इक्वल होंगे और क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी जाके ये वेक्टर्स आपके ए और सी नॉन कोलिनियर हो पाएंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ए और बी नॉन कोलिनियर हैं एंड नॉन जीरो वेक्टर्स एंड एक्स ए, यहां पर दे रखा है एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 3a प्लस 4b, देन फाइंड x एंड y। अब बहुत ध्यान से देखिए, दोनों तरफ इक्वल लगा हुआ है भाई, दोनों वेक्टर्स ये आपके इक्वल होंगे, और यदि ये दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल हैं तो जनरली a का कोफिशियंट और a का कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर a का कोफिशियंट जनरली क्या है, x, और यहाँ पर कितना है 3 है। अच्छा, इक्वल है मींस b के भी कोफिशियंट इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर b का कोफिशियंट y है और यहाँ पर कितना है 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। या तो हम दूसरी तरीके का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर इजक्वल टू 3a प्लस 4b वैक्टर, हम क्या करेंगे ए वेक्टर को एक पास लेके आ जाते हैं, तो ये 3a इसके पास आएगा, तो बचेगा x माइनस 3 ए कैप, सॉरी ए वेक्टर, ये वाई बी इसके पास चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4 माइनस वाई बी वेक्टर।
जनरली हम लोग क्या है कि यहाँ से दो कंडीशन बनती हुई दिखेंगी। एक कंडीशन बनेगी a वेक्टर इक्वल टू 4 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3 बी वैक्टर, और एक कंडीशन बनती हुई दिखेगी b इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 4 माइनस वाई ए वैक्टर। अब देखिए बोला गया कि ये दोनों a और b आपस में नॉन कोलिनियर हैं, इट मीन्स इसको जीरो होना पड़ेगा। अब ये इसको जीरो करना है तो 4 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3, इसको जीरो करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यहाँ फिर से देखिए a और b नॉन कोलिनियर मीन्स ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 4, इसको भी जीरो करना पड़ेगा तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो चाहो तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या फिर ये डायरेक्ट आपको ये लगाना है कि इधर उधर आपके ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और इक्वल बीच में लगा हुआ है, तो सीधे सीधे हम लोग कोफिशियंट का कंपेरिजन कर लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द वेक्टर्स, ये एक वेक्टर दे रखा है, एक ये आर पैरेलल। तो हम लोग कहते हैं यदि जैसे मान लीजिए ये एक a वेक्टर, इसको हम लोग मान लेते हैं ये है आपका x प्लस 2 आई कैप माइनस x माइनस वाई जे कैप प्लस k कैप। दूसरे वाले को हम लोग b वेक्टर मान लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 आई कैप प्लस 2 के कैप। हम लोग कहते हैं यदि ये दोनों आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं तो या तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे a इक्वल टू लेमडा b को, या फिर हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि इनके जो i का कोफिशियंट है, j का कोफिशियंट है और k का कोफिशियंट है, इनके रेशियोस जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर i का कोफिशियंट है x प्लस 2, यहाँ पर इसमें i का कोफिशियंट है x माइनस 1, y का कोफिशियंट यहाँ पर y माइनस x, जनरली माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर j का कोफिशियंट, यहाँ पर j का कोफिशियंट लिया है हमने। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द वेक्टर्स, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर आर पैरेलल। तो जैसे हम मान लेते हैं इस वेक्टर को हम लोग a वेक्टर मान लेते हैं, और ये जो दूसरा वेक्टर है इसको हम लोग बी वेक्टर मान लेते हैं। कहते हैं ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम सेकंड, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आई के कोफिशियंट का रेशियो, जे का कोफिशियंट का रेशियो और के कैप के कोफिशियंट का रेशियो इक्वल होगा। तो जनरली आई थिंक ये ज़्यादा ईजी है, तो हम लोग यहाँ पर रेशियोज को इक्वल कर रहे हैं। अब देखिए इसको इसके इक्वल करोगे तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/2, तो ये इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये उधर चला गया माइनस का 5। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो माइनस का 5। अभी यदि इन दोनों को इक्वल करते हैं हम लोग तो यहां पर आएगा y माइनस एक्स अपॉन 0 इक्वल टू 1/2। अब ये 2 का तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 2 उधर क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, मीन्स y इक्वल टू x आ जाएगा और x की वैल्यू माइनस 5 थी इसलिए y भी माइनस 5 हो जाएगा। इट मीन्स x और y इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू माइनस 5 होगी इन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखते हैं वेक्टर्स से रिलेटेड, और ये पॉइंट्स आपका 3D में भी यूज होंगे। फर्स्ट पॉइंट देखें तो टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कहते हैं टू पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, जैसे आप देख भी सकते हो, जैसे हमने ये टू पॉइंट्स लिए हमने, तो देखिए इनसे एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने टू पॉइंट्स इस तरीके से ले लिए तो इनसे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने टू पॉइंट्स कुछ इस तरीके से ले लिए तो इनसे भी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो हम लोग कहते हैं टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अच्छा बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो इसमें सेकेंड पॉइंट में बोला गया थ्री और मोर पॉइंट्स मे और मे नॉट कोलिनियर। थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये थ्री पॉइंट्स लिए, अब ये थ्री पॉइंट्स देखिए किसी एक स्ट्रेट लाइन पर है, मीन्स ये कोलिनियर है। मान लीजिए हमने थ्री पॉइंट्स कुछ इस तरीके से लिए, अब देखिए ये थ्री पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करें तो ये स्ट्रेट लाइन बनी, लेकिन ये वाला पॉइंट इस लाइन पर नहीं आ पाएगा,
ठीक है, मीन्स दीज थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, क्लियर है। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, पैरेलल टू अ प्लेन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। कहते हैं कि प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पर मान लीजिए हमने एक ये वेक्टर लिया यूनिट वेक्टर, एक ये यूनिट वेक्टर, देखिए इसी प्लेन पर है ये वेक्टर, एक हमने ये वेक्टर ले लिया, एक हमने ये वेक्टर ले लिया, एक हमने ये वेक्टर ले लिया, एक हमने ये ले लिया, तो इस प्लेन पर इनफाइनाइट वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, क्लियर। अच्छा अब आगे कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट है परपेंडिकुलर टू प्लेन टू यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। अब कहते हैं इस प्लेन के यदि हम लोग परपेंडिकुलर देखें तो केवल टू यूनिट वेक्टर्स होंगे। जैसे मान लीजिए देखिए एक ये वेक्टर हो गया, देखिए ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ है, ऐसे ठीक है ऊपर की तरफ है, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है वेक्टर, क्लियर है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर केवल दो वेक्टर हो सकते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड। मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ पर है, अब इसी को शिफ्ट करके यहाँ पर रख दिया गया, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है, क्लियर, क्योंकि लेंथ भी इक्वल है, क्लियर है, लेंथ भी इक्वल है, डायरेक्शन भी अपवर्ड है, ठीक है। और जैसे डाउनवर्ड के केस में देखें आप, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लीजिए, ठीक है, तो कहीं भी इसको शिफ्ट करो वेक्टर वही रहेगा, फ्री वेक्टर्स होते हैं, क्लियर। तो हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन टू यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। यूनिट वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेंथ हमें वन वन के हिसाब से सोचेंगे, लेंथ चेंज करोगे तब तो वेक्टर चेंज ही हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे किसी प्लेन के परपेंडिकुलर केवल दो यूनिट वेक्टर होंगे। देन पॉइंट फाइव देखें, पैरेलल टू अ लाइन टू यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। मान लीजिए ये एक लाइन है, तो आप बोलोगे एक इसके इस साइड डायरेक्शन में मिलेगा, एक इसके जस्ट इधर डायरेक्शन में, मतलब एक इधर डायरेक्शन में, एक इधर डायरेक्शन में, तो केवल दो यूनिट वेक्टर्स मिलेंगे इसके पैरेलल डायरेक्शन में। वही सिक्स्थ पॉइंट हम लोग देखें, परपेंडिकुलर टू अ लाइन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। जैसे ये मान लीजिए ये लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर एक ये वेक्टर मिल सकता है, क्लियर, थोड़ा सा ऐसे टिल्ड किया, ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मिल गया, देखिए ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर मिल गया, तो हम लोग कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू अ लाइन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। फिर आगे कहते हैं टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कहते हैं टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, मींस कोई भी स्पेस में टू वेक्टर लीजिए, उनसे हमेशा एक प्लेन ड्रॉ होगा। और यदि आप अर्थ पॉइंट देखें तो इसमें कह रहे हैं थ्री और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। कहते हैं थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। जैसे मान लीजिए हमने माना कि ये एक ए वेक्टर है, तो यहाँ पर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। हमने माना कि ये एम कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। अब हम बोले कि एम ए, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए हम लोग कहते हैं m स्केलर है, a वेक्टर है, तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, मींस ये एक वेक्टर होगा, लेकिन बोलते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन सेम एज, डायरेक्शन सेम एज a, मतलब ये जो m वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी यदि m पॉजिटिव है तो, ऐसा भी बोल सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगी a के कंपैरिजन में इफ m लेस देन जीरो है। अब बहुत ध्यान से देखना यार, मींस हमने मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर के स्केलर से तो हम कहते हैं उसकी लेंथ में चेंज आता है, ठीक है, लेंथ में चेंज आता है, और डायरेक्शन डिपेंड करता है कि वो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई की गई है वो पॉजिटिव मल्टीप्लाई की गई है या निगेटिव मल्टीप्लाई की गई है। यदि ये आप m को जीरो ले लोगे तो ये तो जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल टोटल तो मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक ए वैक्टर है, हमने ये ए वैक्टर लिया, अभी माना कि इसकी लेंथ टू यूनिट है। अब हम आपसे बोलें कि यार
थ्री ए वैक्टर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जो थ्री ए वैक्टर होगा वो ए की डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थ्री टाइम्स ऑफ ए वैक्टर हो जाएगा। मतलब जो थ्री ए वैक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी ए के जैसी ही होगी, तो ए की डायरेक्शन उस साइड जा रहा था तो थ्री ए भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन यदि ए का मैग्नीट्यूड टू था, टू यूनिट इसकी लेंथ थी, तो इसका इसका कितना हो जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स यूनिट लेंथ हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा अभी बोले जैसे कि ये ए वैक्टर है, इसको माइनस ऑफ टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए होगा क्या, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको वेक्टर मिलेगा। ए की डायरेक्शन उस साइड थी, माइनस टू ए की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और होगा क्या कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, टू है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर यूनिट, क्लियर है। तो हमें ये याद रखना होता है कि यदि पॉजिटिव क्वांटिटी को से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट मिलती है। और कहते हैं कि जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर, मीन्स ये जो ए वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर है, ऑफ मॉडुलस ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एंड एम इज नॉन जीरो स्केलर, और यहां पर जो एम है बोला गया वो नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, देन एम ए इज यूनिट वेक्टर इफ, आपको बताना कि ये जो एम ए होगा, एम ए वेक्टर ये यूनिट वेक्टर होगा यदि, आपको बताना कि एम की वैल्यू हो क्या होगी। इसमें जनरली ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे ए ऑप्शन था एम की वैल्यू प्लस माइनस वन, बी ऑप्शन था एम की वैल्यू मॉड ऑफ ए के बराबर होगी, सी ऑप्शन था एम की वैल्यू वन अपॉन मॉड ऑफ ए के बराबर होगी, और डी ऑप्शन था एम की वैल्यू प्लस माइनस टू होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे इफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मॉडुलस ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एम नॉन जीरो स्केलर है, देन एम ए यदि यूनिट वेक्टर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से बात की गई है एम ए वेक्टर की, तो एम ए वेक्टर बोला गया ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही इस मैग्नीट्यूड को हटाओगे, यहाँ पर ब्रेक करोगे, तो एम पे अलग मैग्नीट्यूड लग जाएगा और ए वेक्टर पे अलग मैग्नीट्यूड लग जाएगा, इक्वल टू वन हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो इसके प्लेस पर तो ए पुट कर दोगे, तो ये बचा ए मॉड ऑफ एम इक्वल टू वन, तो यहां से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एम इक्वल टू वन बाई ए। यदि आप इसमें मैग्नीट्यूड एम की वैल्यू हटाओगे, ठीक है, एम की वैल्यू हटाओगे तो इधर प्लस माइनस लगाओगे, क्लियर है, तो ये इतना आ जाएगा, तो एम इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो, यदि ये प्लस माइनस हटाए तो ये वन अपॉन मॉड ऑफ ए लिखा जा सकता है, तो आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहे हैं कि फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर, फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर
फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए, मतलब ये जो ए वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर है। कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं फाइंड रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स आपको एक्स की रेंज बतानी है, सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ फाइव माइनस एक्स ए वेक्टर लेस देन मॉड ऑफ टू ए वेक्टर। आई थिंक क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो ए वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर है, मींस इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। आपको एक्स की वैल्यू बतानी जनरली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है आपको मॉड ऑफ फाइव माइनस एक्स ए वेक्टर लेस देन आपको दे रखा है मॉड ऑफ टू ए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यदि मैग्नीट्यूड हटाओगे तो मॉड ऑफ फाइव माइनस एक्स आ जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मॉड ऑफ ए आ जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा, टू बाहर हो जाएगा और ये मॉड ऑफ ए आ जाएगा। अब ए का मैग्नीट्यूड जीरो तो है नहीं, इसलिए ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर बचेगा मॉड ऑफ फाइव माइनस एक्स लेस देन टू, क्लियर। अब इस मैग्नीट्यूड को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हम लोग कहते हैं कभी भी इस तरीके से लिखा होता है मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, क्लियर है। तो हम लोग कहते हैं जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस ए से ए के बीच में होगी, क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये एक्स को, इसको, इस पूरे को एक्स मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो एक्स की मीन्स फाइव माइनस एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस टू से टू के बीच में होगी, मीन्स यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी होती है उसका ये जस्ट निगेटिव होता है, इधर क्या होता है पॉज टू। तो आई थिंक अब इसमें सभी जगह फाइव सब्ट्रैक्ट कर दें तो इधर बचेगा माइनस एक्स, यहाँ पर फाइव सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस थ्री, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का सेवन। अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये थ्री इस साइड आ जाएगा और सेवन इधर चला जाएगा। तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की रेंज आ जाएगी थ्री से सेवन। चलिए हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। मान लेते हैं कि ए बी सी, ये ए बी सी, ये तीनों आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स मींस ये वेक्टर्स किन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। मान लेते हैं दीज आर स्केलर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा है एक्स वन ए वेक्टर प्लस एक्स टू बी वेक्टर प्लस एक्स थ्री सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। हम लोग कहते हैं कि यदि ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी है तो ये जो ए बी और सी वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर तभी होंगे जब एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू जीरो होगी। मतलब ए बी सी लिनियर कॉम्बिनेशन में है, उनके कोफिशियंट का सम यदि जीरो है तो ये ए बी सी जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे माना कि एक ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ए का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर बी हो गया और सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर हो गया। अब देखिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए सी वेक्टर, ऐसे बोला जा सकता है। भाई ए बी की डायरेक्शन और ए सी की डायरेक्शन सेम है, और यदि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम सेकेंड वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। भाई ये कोलिनियर की कंडीशन हम लोग पहले देख चुके हैं। अब देखिए ए बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए, भाई बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। ए सी को क्या लिख सकते हो, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर।
बी का पोजिशन वेक्टर कितना है, बी है, ए का पोजिशन वेक्टर ए है, इक्वल टू लेमडा टाइम सी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर। अभी इन सभी को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये बी माइनस ए, ये इधर आएगा माइनस का लेमडा सी, ये इस साइड आएगा प्लस का ए लेमडा इक्वल टू जीरो। ए को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ लेमडा बचेगा, यहाँ माइनस वन बचेगा, लेमडा माइनस वन ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है, माइनस लेमडा टाइम्स सी वेक्टर। अभी बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ए बी सी को कोलिनियर माना था, और यहाँ पर दो लास्ट में कंडीशन क्या आ रही, यदि ए के कोफिशियंट, बी के कोफिशियंट और सी के कोफिशियंट को हम लोग ऐड करके देखें, इसकी वैल्यू निकाल के देखें, ए का कोफिशियंट है लेमडा माइनस वन, बी का कोफिशियंट वन है और सी का कोफिशियंट माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा प्लस लेमडा कैंसिल, वन और माइनस वन कैंसिल, क्या बचा जीरो। हम लोग कहते हैं ए बी सी के कोफिशियंट का सम ये जीरो है, तो ये आपके जो ए बी सी पोजिशन वैक्टर्स होंगे वो आपके कोलिनियर होंगे, ऐसा याद रखना है।